भाई मैं अभी सो रहा हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो सो गाइस, सुबह तो हो चुकी है, अभी हम बढ़िया खा रहे हैं पराठा और सॉस। देखिए मैंने कितना ज़्यादा सॉस लिया है। तो चलिए खाते हैं और फिर कॉलेज के लिए चलते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं कॉलेज के लिए, तो तैयार हो चुके हैं। तो सो गाइस चलते हैं, अपना मुकुट धारण कर लेते हैं और अपने वाहन को अब आगे बढ़ाते हैं। अपने हम पाठशाला मतलब कॉलेज पहुंच चुके हैं। अरे जी बिल्कुल ना क्या है, अच्छा बोले तो इंग्लिश वाले झूठ बोल रहा है। नाली में नहा लिया कम। सो गाइस चलिए चलते हैं अब घर। कॉलेज की तो छुट्टी हो चुकी है, दो पीरियड लगी उसके बाद छूट गए। सो गाइस अभी हम समोसा खाते हैं। तो सो गाइस समोसा हमने खा लिया है, अब हम घर के लिए चलते हैं। टाइम भी हो गया, मतलब 2 बज रहे हैं, तो घर चलिए चलते हैं। बैल जा रहा है अपने घर। तो सो गाइस हम घर आ चुके हैं। ये देखिए कपड़े वगैरह मैंने बदल लिए हैं, मम्मी को तो मस्त सो रही हैं एकदम, कम्बल वगैरह ओढ़ के, कोई टेंशन ही नहीं है, टीवी देख रही हैं। ये देखिए गाइस, देखिए मम्मी ने क्या बनाया है। ये देखिए गाइज, ये मतलब दूध था, तो मम्मी ने दूध को जला दिया है और दूध में शक्कर मिला के मतलब खोवा टाइप का बना दिया है। तो बढ़िया, मैं भी उसी को खा रहा था। बढ़िया, कॉलेज से आया तो मीठा मीठा खाने के लिए मिल गया है, तो इसको खाते हैं और फिर। सो गाइज मैं भी सो रहा हूँ, समझ रहे हो। तो गाइज शाम हो चुकी है, हमको चलना है दुकान गाइज, नमकीन एंड साइकिल में हवा भराने। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं दुकान में। सो गाइस साइकिल में हवा भर चुकी है, मस्त साइकिल चलने लगी है और अभी हमको चलना है दुकान नमकीन लेने। तो चलिए चलते हैं। अधेले में गाइस आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, हम घर आ चुके हैं। ये रही हमारी साइकिल, मस्त हवा वगैरह डल गई है। ये रही नमकीन और अब चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस मतलब कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं अभी बिस्किट लेने गया था, तो ये देखिए इस बिस्किट का तो हर एक इंसान जानता होगा, मतलब बचपन ही इस बिस्किट को खा के पीता है। तो 10 रुपए की ये बिस्किट आप देख सकते हैं, आप इसके MRP लिखी हुई है। तो मतलब जब हम खाते थे तब कितनी बड़ी बिस्किट आती है, 2 रुपए मतलब 5 रुपए के बराबर की बिस्किट इसकी ये मतलब साइज हो चुकी है। तो कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है गाइस। देखिए मम्मी रोटी सेक रही हैं, सब्जी बढ़िया बन गई, एकदम मस्त लग रही है। देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइस पिताजी के कुछ क्लाइंट लोग थे, मतलब वो बाहर से इलाहाबाद से आए हुए थे उनसे मिलने, तो उन्होंने मतलब मिठाई वगैरह इलाहाबाद से लाई थी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इलाहाबाद की स्पेशल मिठाइयाँ। तो चलिए गाइस फ्रिज से निकालते हैं। ये रही गाइस, देख सकते हैं आप, में लल्लू हलवाई लिखा है गाइस, लल्लू हलवाई के यहाँ की है। तो चलिए अब लल्लू हलवाई के यहाँ की मिठाई खाते हैं। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये पेड़े गाइस, इलाहाबाद के सोहन पापड़ी लड्डू। ये तो इसमें बहुत सारे गाइस, पर मम्मी पिताजी ने पहले खा लिया, मैं नहीं खाया था, मैं रुका हुआ था बाद में खाने के लिए, जब इन लोग खा लेंगे तो फिर मैं दिखाने के लिए खाऊंगा। तो चलिए खाते हैं अब, काला कलर से चालू करते हैं। गाइस पिताजी खाना खा रहे हैं, पिताजी की तबीयत खराब है इसलिए डाउन है। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, ये देखिए दाल सब्जी चावल एंड रोटी पानी। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं अब, हमारा भोजन हमने ग्रहण कर लिया है, रात्रि अत्यधिक हो रही है। तो ब्लॉग को अब एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप प्रेम करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।